आज के इस वीडियो में 12460 शिक्षक भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम आपको बता दें बहुत सारे छात्रों के लगातार ये कमेंट्स आते हैं चैनल के विभिन्न वीडियो पर कि सर यहाँ पर जो याची बनाने का काम चल रहा है जीरो की तरफ से वेटिंग की तरफ से इक्यावन की तरफ से तो उसमें याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इस सवाल का जवाब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ लें देखिए ये जो भर्ती है ये पूरी प्रक्रिया यहां पर रुकी हुई है सभी कैंडिडेट यहां पर रुके हुए हैं चयनित कैंडिडेट हों चाहे अचयनित कैंडिडेट हों, सभी यहाँ पर पूरी तरह से रुके हुए हैं तो यहां पर याची बनने का लाभ हमारे हिसाब से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो भी आदेश होगा वो सभी कैंडिडेट्स पर ही लागू होने वाला है जी हाँ याची लाभ किसी एक पक्ष को देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा या तो प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी या तो प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी इसमें केवल यही एक आदेश देखने को मिलेगा तो बाकी आपके अनुसार है कि आप याची बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं